जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। बहुत सारे बच्चों का अभी क्वेश्चन आ रहा आरपीएफ कांस्टेबल को लेके कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है सर कब आएगी। वो आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2018 के बाद में कोई भी वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं हुई थी। बीच में लॉकडाउन की वजह से मैं आपको बता दूं आरपीएफ में रिटायरमेंट भी रोक दिए गए थे, कुछ नए रिटायरमेंट नहीं दिए गए थे लॉकडाउन के दौरान, इसी वजह से ये वैकेंसी डिले हो गई। फिर ये वैकेंसी आने वाली थी 2021 में, तब इसकी घोषणा हुई थी लगभग 9,500 पदों पर। अब 2023 में ये वैकेंसी होगी कि नहीं होगी, इसका ज्यादा इंतजार इसलिए किया जाता है आरपीएफ कांस्टेबल का कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस इन सब में सिर्फ हाइट मेजरमेंट से रह जाते हैं, क्योंकि इन सब में हाइट जो क्राइटेरिया वो 170 सेंटीमीटर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में जो हाइट मेजरमेंट है वो 165 सेंटीमीटर है। इसी वजह से इस भर्ती का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, लगभग पिछले 5 साल से ये वैकेंसी आई ही नहीं है। अब बीच में इसकी सूचना मिली थी कि लगभग 17,000 से 18,000 पदों पर ये वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, कब आएगी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अब बहुत सारे बच्चे की सर ये वैकेंसी 2023 में आएगी या नहीं आएगी, इसकी कुछ घोषणा या न्यूज पेपर में हमको कब देखने को मिले। देखिए, जिस प्रकार से एसएससी का पोर्टल है SSC.NIC.in, इस पे क्या होता है कि पूरी साल की जो भर्तियां होती है एसएससी वो कैलेंडर में जारी कर देती है, लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करती है, कैलेंडर जारी नहीं करती है, सिर्फ या तो विज्ञप्ति निकालती है या सूचना निकालती है। तो वो हमको या तो अखबार के माध्यम से या उनकी वेबसाइट के माध्यम से पता चलता है कि इसमें इतनी पदों की। अब मैं आपको बता दूं आरपीएफ में दो प्रकार की वैकेंसी आएगी, तो CTGD यानी कॉन्स्टेबल जीडी की एक आएगी, SI की, साथ ही रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी भी अगले साल बताई जा रही है। तो अगर ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 में आती है तो पूरे पूरे चांस है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी इसी साल में आएगी। ठीक है, इसके पूरे पूरे चांस है। अब कब तक ये वैकेंसी आ सकती है ये कपाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जहां तक है कि आपके जो दिल्ली पुलिस के 1 सितंबर से फॉरम शुरू होने वाले हैं, हो सकता है उसी समय के आसपास आरपीएफ कांस्टेबल के पदों की घोषणा हो, क्योंकि इस वैकेंसी को काफी लंबा समय हो गया है वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है 2018 वाली, उसके बाद में कोई नई वैकेंसी नहीं है। आने के पूरे चांस है कि इसी साल के अंदर यह वैकेंसी होगी, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी कब होगी, अगले साल में। तो आरपीएफ कांस्टेबल इस साल में आराम से हो सकती है और 100% चांस है कि वो इस साल में ही आएगी वैकेंसी। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।